असलकुम स्टूडेंट्स आज हमारा मौजू है खा के वतन के अल्फाज मानी खा के वतन के अल्फा मानी और सवाल व जवाब अल्फाज मानी दश्त व दामन जंगल बियाबान ससुर खुरू कामयाब लहकना चमकना ना सरा होना पिंग झूले का लंबा झोंक झूले की रस्सी दमकना चमकना झूलना झलकना अब दूसरा सवाल सवाल नंबर पहला अम उनको शायरी क्यों अम उनको शायर क्यों जरूर जरूरी करा देता है इसका जवाब है अमन को इसका जवाब अमन जिंदगी के फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी है अमन व सुकून के बग़ैर जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है इसलिए शायर इससे ज़रूरी करार देता है अब सवाल नंबर दूसरा वतन की किन चीज़ों से शायर शा मोहब्बत का इज़हार करता है अब सवाल नंबर दूसरा का जवाब शार वतन की मिट्टी से इसकी सुबह और शामों से यानि सुबह और शाम सुबह सु, सु, सुबह और शामों से इसके शहरों के नामों से इस गा इस गाँव की छाओं देने वाली बरकत के बरगद के पेटों से मोहब्बत का इजहार करता है सवाल नंबर तीसरा शायर को कौन कौन से त्यौहार पसंद है जिनके सदा मनाए मनाए जाने की वो दुआ मांगता है सवाल नंबर तीसरा का जवाब शायर को ईद और दिवाली के त्यौहार पसंद है जिनको वो हमेशा मनाने की दुआ करता है सवाल नंबर पाँचों चौथा सिकरी की महल ताश और अजंता की क्या अहमियत है इसका जवाब है सिकरी के महल ताज और अजंता की तारीखी अहमियत है ताज अजूबों में शुमार होता है ये मोहब्बत की इलामत, अ, अलामत है अजंता की गुफाएं अपनी मुनफरद मसूरी के लिए मशहूर है रक़ व मसूरी मसूर रक़ व मसूरी के लिए सवाल नंबर पाँचवा फितरत के किन मनाजिर से शायर मुतासर है फितरत मतलब कुदरत मनाज़िर मतलब मंजर इसका जवाब है फितरत शायर हसन वादियों लहलाते गी, गीतों लहलाते खेत